अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां कांग्रेस के निर्वाचन आयोग में भाजपा पर आचार संहिता के दौरान आवेदन लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। बता दें कि आचार संहिता का उल्लंघन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम साय ने अपने बयान में कहा है कि आचार संहिता के दौरान आवेदन लेना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है और उसमें कोई वोट प्रभावित करने वाली बात भी नहीं है। इसी क्रम में कवासी लखमा को लेकर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की हालत देखकर कवासी लखमा भयभीत हो गए हैं। पहले लखमा बोलते थे हमारे बेटे को चुनाव में टिकट मिल सकता है, लेकिन अब वह अपनी हार में विचलित हो गए हैं। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम में 1500 लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं और जैसे हम रोज बोलते हैं कि हर कार्यक्रम में इसी तरह से कांग्रेस के लोग भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। अब कवासी लखमा तो कांग्रेस की हालत पतली है और उनको भी भय हो गया है और इसलिए वो बोल रहे हैं कि पहले तो बोलते थे कि हमको या हमारे बेटे को मतलब चुनाव में टिकट मिल सकता है, लेकिन अब उनको हार एकदम निश्चित दिख रहा है तो बहाना कर रहे हैं कि हम बेटे के लिए बोल रहे थे। कुल मिला के हम लोग 11 की 11 सीट जीत रहे हैं। नहीं, आवेदन लेने में मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है, कोई घोषणा तो हानि कर रहे हैं। अब वो अपनी समस्या को लोग दे रहे हैं, उसमें कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, चुपचाप रख ले रहे हैं, उसमें कोई वोट प्रभावित करने वाली बात तो है नहीं।